द बेबी इन येलो की स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि कैसे डेमोनिक बेबी जेसी को अपने साथ द डार्क प्लेनेट कारकोसा में ले जाता है, जिसके बाद एक और बेबी सिटर इसकी बेबी सिटिंग के लिए आता है, जिसके साथ क्या होता है हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले यार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। और ये रहा आज का सवाल आप लोगों के लिए, द किंग इन येलो का राइटर कौन है? ऑप्शन ए रॉबर्ट चैम्बर्स, ऑप्शन बी टेनिसन। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना, और सही जवाब देने वाले पहले 5 कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट मिलेगा। तो आप लोग मेरे को फटाफट से कमेंट करना। तो अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो को, करते हैं स्टार्ट। तो दूसरा बेबी सिटर जिसका हमको नाम नहीं मालूम, वो इस घर के अंदर आता है बेबी सिटिंग करने के लिए, और वापस से उसको वही टास्क मिलते हैं जो कि जेसी को मिले थे। हमारा प्लेयर किचन में जाता है दूध की बोतल लेने के लिए, लेकिन उसको फ्रिज के ऊपर कुछ ड्रॉइंग्स मिलती है जिनको देख कर वो बंदा समझ जाता है कि ये बेबी कितना डेंजरस है। इनमें से एक ड्रॉइंग के अंदर एक शीप भी बनी होती है जिसके सींग येलो कलर के थे, जो कि शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सब देखने के बाद वो बंदा इधर से भागने की कोशिश करता है, वो मेन दरवाजा खोल के यहाँ से बाहर निकलता है और एलिवेटर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर के अंदर घुसता है तो उसको एक साइन मिलता है। अब इस साइन का मतलब लवक्राफ्ट टेल्स और द किंग इन येलो के मुताबिक किसी के माइंड को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद वो बंदा लिफ्ट को स्टार्ट करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लिफ्ट खराब हो जाती है और वो दूसरी लिफ्ट की तरफ जाने लग जाता है। अब जैसे ही वो बंदा दूसरी लिफ्ट की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक दरवाजे पर अपने आप ही एक लॉक लग जाता है, और उस लॉक की चाबी द बेबी इन येलो के पास होती है, और द बेबी इन येलो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और किसी के रूम के अंदर चला जाता है जिसके बाहर नेम प्लेट पे पिकमैन लिखा होता है। हमारा प्लेयर उस बेबी के पीछे पीछे उस रूम के अंदर जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा ट्राई करता है बेबी के हाथ से उस की को लेने का, लेकिन वो ले नहीं पाता क्योंकि बेबी बार बार टेलीपोर्ट कर रहा था उसको। तभी यहाँ पर पियानो की म्यूजिक का एक पार्ट मिलता है, उस पार्ट को उठाकर लगा देता है पियानो पर। उसके बाद उसको सेकंड पार्ट मिलता है जिसको भी वो पियानो पर लगा देता है, और फिर पियानो का थर्ड पार्ट लेकर वो उस पे लगा देता है, जिसके बाद वो उस म्यूजिक को प्ले करता है और यहाँ पर बेबी उसके पास आ जाता है। लेकिन वो जैसे इस बेबी को पकड़ने की कोशिश करता है तो बेबी दोबारा से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर पियानो के ऊपर एक बटन आ चुका था जिसको दबाने से एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और हमारा प्लेयर उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर एक सीडी रिकॉर्ड रखा हुआ था। वो उसको उठाता है जिसके अंदर एक बहुत अजीब सा म्यूजिक था, लेकिन इस म्यूजिक को सुनने से बेबी इसके पास आ गया था, जिसके बाद हमारा प्लेयर उसके हाथ से की छीन लेता है और की छीन कर वो चला जाता है उस दरवाजे को ओपन करने के लिए जिस पर बेबी इन येलो ने लॉक लगा दिया था, जिसके बाद वो एलिवेटर की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एलिवेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम के अंदर जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर फ्यूज उड़ रखा है, जिसके बाद वो फ्यूज को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाता है। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले रूम के अंदर से बाहर आता है, यहाँ पर सब कुछ अजीब सा हो जाता है। सामने की तरफ बेबी बैठा हुआ था जिसकी आईज रेड हो रखी होती है और वो गायब हो जाता है, और यहाँ पर बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल रहे होते जमीन के अंदर से, और एलिवेटर के पास पहुंचकर वो दोबारा से एलिवेटर का बटन दबाता है। लेकिन तभी वो पीछे देखता है तो यहाँ पर बेबी एक बहुत ही अजीब सी फॉर्म में आ जाता है, वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरावना था, हमारा प्लेयर इससे बचकर भागने लगता है, और उस मॉन्स्टर से बचते बचाते वो किसी तरीके से एलिवेटर तक पहुंचता है और एलिवेटर में चला जाता है। अब जैसे ही वो बंदा लिफ्ट से नीचे आता है और लिफ्ट का दरवाजा ओपन करता है तो वो देखता है कि दरवाजा तो द बेबी इन येलो के घर में ही खुलता है, जो कि बहुत ही अजीब था। अब ये सब द बेबी इन येलो उसका माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, इस वजह से हो रहा होता है। वो बंदा अंदर आके देखता है तो द बेबी इन येलो अपनी चेयर पे बैठा हुआ होता है, किंग इन येलो वाला म्यूजिक सुन रहा होता है। अब यहाँ पर जो घर भी है वो भी मिरर मोड में आ जाता है, जिस साइड किचन था उस साइड बाथरूम आ जाता है और जिस साइड बाथरूम था उस साइड किचन आ जाता है। हमारा प्लेयर स्टेयर से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक रूम मिलता है जिस पर एक पिंक कलर का लॉक था। अब इस लॉक की जो की थी वो नीचे ही एक वास के अंदर रखी हुई थी, उस की को हमारा प्लेयर लेता है और जल्दी से उस दरवाजे को ओपन करता है, और यहाँ से अंदर जाते ही एक और दरवाजा होता है जिसको ओपन करता है, और यहाँ से आगे जाकर एक और दरवाजा होता है जिसको ओपन करता है, और यहाँ पर बेबी इन येलो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है, और हमारा प्लेयर उसको इग्नोर करता हुआ आगे जाता है जहाँ पर काफी सारे दरवाजे होते हैं, और इन दरवाजों में से द बेबी इन येलो किसी बम की तरह आगे गिर रहा होता है। इसके बाद वो एक रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर द बेबी इन येलो का बेड रखा होता है, और इसके आसपास से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और वहाँ पर एक दरवाजा भी होता है। उस दरवाजे को ओपन करते हमारा प्लेयर वापस से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर द बेबी इन येलो बैठा हुआ होता है, लेकिन इस बार वहाँ पर एक टीवी होता है जिस टीवी के अंदर एक अजीब सा साइन आता है जिसकी तरफ देखने से हमारा प्लेयर बेहोश होने लगता है। वो उन साइन से बचता हुआ किसी तरीके से उन टीवी के बीच से निकलता है और फिर से उसी रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर बेबी इन येलो का बेड रखा था, लेकिन अब यहाँ पर बेबी इन येलो भी होता है जिसने टीवी पहना होता है अपने सर में, जिसके बाद हमारा प्लेयर वापस से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को ओपन करते ही तो वो देखता है कि सामने द बेबी इन येलो एक बहुत बड़ी चेयर के ऊपर बैठा है, मानो ये चेयर किसी राजा की हो, और द बेबी इन येलो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। हमारा प्लेयर आगे जाता है तो एक रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर काफी सारे अजीब अजीब से आवाजें आ रही थी, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा था, ये बहुत ही वियर्ड सी आवाज थी, और यहीं पर द
बेबी इन येलो वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में होता है, लेकिन एक सेकंड बाद ही वो गायब हो जाता है और वापस से बेबी बन जाता है। जिसके बाद हमारा प्लेयर वापस से दरवाजा ओपन करता है और यहाँ पर वापस से उसी रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर उसका बेड रखा था, लेकिन ये रूम पूरी तरीके से चेंज हो गया था क्योंकि ये रूम काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और हर जगह से टेंटिकल्स निकल रहे थे। सामने की तरफ एक छोटा सा पोर्टल खुला हुआ था जो कि कारकोसा नाम की डायमेंशन में जाता था। अब यहाँ पर एक ब्रिज आ जाता है जिसको पार करने के बाद वो वापस से घर के अंदर पहुंचता है। तब बेबी इन येलो वापस से मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उसके पीछे पड़ जाता है। वो किसी तरीके से बचते बचाते भागते हुए एक बड़े से रूम के अंदर पहुंचता है जहाँ पर द बेबी इन येलो का एक बहुत बड़ा फेस होता है और यहीं पर ABCD लेटर्स वाले डाइस पड़े होते हैं बड़े बड़े, जिसके बाद वो यहाँ पर ग्रीन वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है और किसी तरीके से यहाँ से एस्केप कर जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से द बेबी इन येलो ने उस बंदे का माइंड कंट्रोल कर लिया था जिसके बाद वो सब उसको दिखाई दे रहा था। तो गाइस ये थी द बेबी इन येलो की चैप्टर 2 द व्हाइट रैबिट की स्टोरी। और अब बात करते हैं आज के शॉर्ट आउट के बारे में। तो आज का फर्स्ट शॉर्ट आउट जाता है राणा चटर्जी को, टायरनोस गेमर हॉरर गेम्स को, BTS शाइनिंग स्टार को, दीप सिंह को, नीतीश यादव को और अंशु प्लेस को। तो गाइस अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट करना। बाकी मिलता हूं मैं वापस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू गाइस।